ऐसा समय आ गया है कि अब भारत ने ऐसा शिकंजा लगाया कि उसे बांग्लादेश भी नहीं बच पाया और भारत के शिकंजे में खुद फंसकर भारत के सामने झुकने पर मजबूर हुए मोहम्मद यूनुस। अभी तक जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे वैसे वैसे बांग्लादेश की नई सरकार भारत के खिलाफ फैसला ले रही थी, यहाँ तक कि उनकी तरफ से भारत जैसे देश को धमकियां दी गई जिसके सामने बांग्लादेश कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उनका देश कंगाली की हालत में पहुंच गया तो उन्हें भारत की याद आ रही है और उनके पास भारत के सामने झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया है, जिसके कारण पहली बार ऐसा हुआ है जब बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कही जा चुकी है। क्योंकि न सिर्फ भारत ने अकेले बांग्लादेश को धूल चटाई बल्कि अब तो रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़े कदम को उठा चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को एक लाइक करके और हमारे चैनल रैपिड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो चलते हैं पुनः अपने टॉपिक पर। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से चीन की गोद में बैठकर मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ फैसले लिए थे, इसका अंजाम तो उन पर भारी पड़ना ही था, क्योंकि बांग्लादेश ने कुछ दिनों पहले तेवर में आकर भारत के लिए उनकी तरफ से सप्लाई की जाने वाली हिल्सा फिश के एक्सपोर्ट को रोक दिया और बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत में हिल्सा फिश की सप्लाई को ऐसे समय बंद किया जिस समय भारत के लोगों को इस मछली की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक महीने के भीतर दुर्गा पूजा आने वाली है और पश्चिम बंगाल के लोग इसी हिल्सा मछली को अनुष्ठान के रूप में चढ़कर पूजा करते हैं और दुर्गा पूजा को धूमधाम से मनाने के बाद खिचड़ी के साथ हिल्सा मछली को खाना बेहद ही पसंद करते हैं, जिससे हर साल दुर्गा पूजा के आने से पहले ही इस मछली की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हर एक बंगाली के घर में हिल्सा मछली जरूर बनाई जाती है। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हिल्सा मछली भारत में बहुत कम पाई जाती है, इसलिए ऐसी मछली को हम लोग बांग्लादेश से खरीदते हैं। लेकिन शेख हसीना की सरकार बदलने के बाद इस बार मोहम्मद यूनुस की नई सरकार ने भारत के लिए हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को ही बंद कर दिया है और एक्सपोर्ट ही बंद नहीं किया बल्कि भारत के लिए इस मछली के सप्लाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, जिससे बांग्लादेश की नई सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश इस तरीके से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और उनके द्वारा बार बार भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि भारत तीस्ता नदी के जल समझौते को फाइनल करें, नहीं तो वह इस बात को इंटरनेशनल ही ले जाएंगे। फिलहाल बांग्लादेश को लगा कि वह दुनिया में हिल्सा मछली के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, जिससे यदि उनके द्वारा भारत को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा तो भारत उनके साथ तीस्ता जल बंटवारे समझौते पर सहमत हो जाएगा। लेकिन उसे समय बांग्लादेश की नई सरकार शायद भूल चुकी थी कि उनके द्वारा इस तरीके की बातें भारत से कही जा रही है, जिससे अगर भारत ने एक भी कम बांग्लादेश के खिलाफ बढ़ा दिया तो उन्हें मिट्टी में मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी बीच जब अदानी ग्रुप को लगा कि बांग्लादेश भारत से अकड़ रहा है और भारत के लिए उनके द्वारा हिल्सा फिश का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है, साथ ही भारत पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि भारत उनके साथ तीस्ता नदी पर समझौता करें, तो अदानी ग्रुप भी एक्शन में आ गई और अदानी पावर की तरफ से सीधा बांग्लादेश को चेतावनी दे दिया गया है कि या तो आप हमारे 500 मिलियन डॉलर बकाया पैसे को चुकाया, नहीं तो हमारे द्वारा बिजली की सप्लाई काट दी जाएगी। और भारत की ऐसी बात सुनते ही बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन जब हाल ही में रूस और ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि एक तरफ तो हिंदुओं पर बांग्लादेश की तरफ से अभी भी अत्याचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ उल्टा भारत के सामने बांग्लादेश की नई सरकार अभी भी तेवर दिखा रही है, तो उनके द्वारा बांग्लादेश को इस तरीके से धूल चटाई गई है जिसे बांग्लादेश सदियों तक नहीं भूलने वाला। हाल ही में रूस ने भारत की दोस्ती निभाते हुए
बांग्लादेश से 63 करोड़ यानी कि 630 मिलियन डॉलर की मांग कर लिया है। असल में देखा जाए तो कुछ साल पहले शेख हसीना के समय रूस ने बांग्लादेश के रूपपुर शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया था, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जिससे बिजली पैदा की जाती है और इसका पैसा बांग्लादेश को कर्ज के रूप में चुकाना था। लेकिन अभी तक बांग्लादेश इसका ब्याज भी रस को नहीं दे पाया है, इसलिए रूस ने सीधा बांग्लादेश से 63 करोड़ की मांग की है और उसने सीधा कह दिया कि अगर बांग्लादेश यह पैसे 15 सितंबर के पहले नहीं चुका पाता है तो उन पर अतिरिक्त दंड भी लगा दिया जाएगा। फिलहाल इसका पेमेंट बैंक ऑफ चीन की शंघाई शाखा के माध्यम से किया जाना है और वहां पर इस बीच नॉन बिजनेस डे है, इसलिए बांग्लादेश को 3 दिन का समय और मिल गया है, जिससे उनके पास 18 सितंबर तक की डेडलाइन है, जिसके भीतर उन्हें रूस को 63 करोड़ का पेमेंट चुकाना है। यानी कि मोहम्मद यूनुस के पास केवल 4-5 दिनों का ही समय है, जिससे उनके होश उड़ गए हैं और इसलिए उनके सिर के ऊपर मुसीबत के बादल मंडराने लगे हैं कि आखिरकार इस पेज का पाबंद कैसे किया जाए, क्योंकि ना तो उनके पास इस समय भारत का साथ बचा है और ना ही उनके पास पैसे हैं कि वह इस कर्ज के ब्याज को चुका सके। और इतना ही नहीं बल्कि इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी गई है कि वह हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को बंद कर दे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया भी बांग्लादेश पर कड़ा एक्शन लेने पर मजबूर हो सकता है, जिससे बांग्लादेश जो ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करता है और वहां से कोयला इंपोर्ट करता है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। यानी कि बांग्लादेश चारों तरफ से फंस चुका है, जिसके कारण बांग्लादेश के पास भारत के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। यहां तक कि भारत भले ही मछली के साथ साथ कुछ अन्य फूड भी बांग्लादेश से खरीदना है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खाने पीने की वस्तुएं जैसे कि दाल चावल और गेहूं के साथ साथ प्याज और आलू जैसी अनेकों सब्जियां भारत भी बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करता है। इसलिए एक्सपर्ट की तरफ से यह बात सामने आने लगी कि भारत भी जल्द ही बांग्लादेश के लिए इन सब का एक्सपोर्ट बंद कर सकता है, जिससे बांग्लादेश की नई सरकार को लगा कि भारत से धीरे धीरे उनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं और भारत इन सब की सप्लाई बांग्लादेश के लिए बंद कर सकता है, तो उनका झुकाव भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस को यह बात अच्छे तरीके से मालूम है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश में ऐसे समय भी खाने पीने के वस्तुओं की सप्लाई कर रहा है जिस समय बांग्लादेश कंगाल हो चुका है और उनके पास भारत का बकाया चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की नई सरकार जब आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के सामने पैसे मांगने के लिए हाथ फैला रही है तो उनकी तरफ से भगाया जा रहा है और अभी तक बांग्लादेश को पैसा नहीं मिल पाया है, जिससे सारे रास्ते बंद होने के बाद भारत के साथ रिश्तों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के और बदले नजर आ रहे हैं और उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही है और जो तीस्ता नदी के जल बंटवारे समझौते पर दबाव बना रहे थे। हमारे वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और हमारे चैनल ए रैपिड ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करें।